डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत के काफ़ी मना करने के बावजूद भी आखिरकार चीन का ये शोध जहाज, जिसका नाम उसने युआंग फांग फाइव रखा है, ये जहाज आखिरकार श्रीलंका के हंबनतोता पोर्ट पर आ गया है। दो तीन दिन पहले की ये न्यूज़ है, लेकिन यह टॉपिक यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट बन सकता है, भारत श्रीलंका और चीन के संबंधों के संबंध में, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और इस पर एक गंभीर विश्लेषण आवश्यक है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने चुना है। देखिए मुद्दा क्या है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। चीन बोलता है कि ये जो है, ये जो रिसर्व वेसल है, इसको चीन शोध जहाज बोलता है, ठीक है ना, साइंटिफिक शोध जहाज बोलता है वो, कि वैज्ञानिक रिसर्च के लिए और समुद्री रिसर्च के लिए ये एक जहाज है, ठीक है, ये हिंद महासागरीय देशों की यात्रा पर निकला है। लेकिन भारत इसको बोलता है कि ये एक जासूसी जहाज है, स्पाई वेसल है। क्यों? क्योंकि चीन के ऐतिहासिक जो रिश्ते भारत के साथ रहे हैं, या चीन का जो ऐतिहासिक रूप से चीन का रवैया रहा है विभिन्न देशों को लेकर, उससे हम लोग अच्छे से परिचित हैं कि किस तरह से चीन समुद्री देशों सीमा में जाकर, देशों की समुद्री सीमा में जाकर निगरानी गतिविधियां करता है, ठीक है ना, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज करता है, ताकि जानने का प्रयास करता है कि उस देश की सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं। जैसे भारत हिंद महासागर में, आपको जानते हैं कि भारत के एक पहला ये ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है वो किसी देश के नाम पर पड़ा है, भारत के नाम पर। हिंद महासागर से भारत की कंप्लीट तौर पर सीमा लगती है। ऐसे में चीन अपना शोध जहाज कर भेजकर यह निगरानी करना चाहता है कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों की क्या स्थिति है, भारत की पनडुब्बियों को लेकर क्या स्थिति है, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये चीज़ भारत बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है ना, इसीलिए भारत ने चीन को, श्रीलंका को ये बोला था कि आप इस जहाज को अनुमति मत दीजिए। शुरुआत में श्रीलंका ने भारत की बात को थोड़ा सा गंभीर लेते हुए चीन को बोला कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए टाल दीजिए, लेकिन आपको पता है कि चीन के ऋण जाल के तहत फंसा हुआ है श्रीलंका। डेब्ट ट्रैप जो पॉलिसी है ना चीन की, उसके तहत उसका सबसे बड़ा जो आप मान लीजिए कि मोहरा है, या सबसे बड़ा शिकार जो है वो श्रीलंका है। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका, जब चीन ने श्रीलंका पर दबाव डाला और बीच में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई, तो कहीं ना कहीं पे श्रीलंका इस दबाव को झेल नहीं पाया और श्रीलंका ने इस जहाज को अनुमति दे दी। तो क्या समझा जाए कि भारत की इस मुद्दे पर श्रीलंका पर पकड़ कमजोर हुई है, क्या समझा जा सकता है, या कुछ अन्य मुद्दे भी इसमें उभरते हैं, इन सब पे चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि श्रीलंका की लोकेशन कहाँ पे है। ये भारत है, हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पर ये श्रीलंका है, और यहाँ पर ये हंबनतोता पोर्ट है, ये कोलंबो पोर्ट है। यहाँ पर आप सोचिए, श्रीलंका, चीन का कोई जहाज आकर अगर मान लीजिए रुकता है, जिसे भारत स्पाई वेसल मान रहा है, जासूसी जहाज है, वो आकर यहाँ पर रुकता है, तो भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर कितनी बड़ी एक चुनौती और एक चिंता उत्पन्न हो सकती है, आप समझ सकते हैं इस मुद्दे की गंभीरता। इसीलिए भारत ने बहुत पुरजोर से प्रयास किया था, लेकिन श्रीलंका क्योंकि चीन के दबाव के तहत था, तो श्रीलंका ने चीन को अनुमति दे दी। देखिए मुद्दा हम लोगों ने समझा, ये युआंग वाग फाइव जो है ये पहुंच ही गया आखिर में, ठीक है, भारत की चिंताओं को श्रीलंका ने लगभग लगभग थोड़ा हद तक नज़रअंदाज कर दिया। देखिए चीन सरकार का क्या मत है, चीन का क्या मत है इस मुद्दे पर। चीन ने ये बोला है कि श्रीलंका जो है वो तो हमेशा से आपको पता ही है, वो पाकिस्तान के साथ भी बोलता है कि हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची है, या प्रशांत महासागर से भी गहरी है, तो इस तरह की चीज़ें वो बोलता है, समुद्र से भी गहरी है। लेकिन वो जब अपनी, अब जैसे श्रीलंका को लेकर उसने बोला है कि श्रीलंका और चीन जो हैं पुराने रूप से मित्रवत और घनिष्ठ पड़ोसी देश हैं, ठीक है, इसलिए दोनों देश क्या करना चाहते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, इसमें किसी देश को, चाहे वो भारत हो, उसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए किस तरह की साइंटिफिक रिसर्च चीन करता है, इससे हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन चीन इस चीज़ को बोलना चाह रहा है कि इस, ये एक शोध जहाज है, और क्योंकि चीन एक संप्रभु देश है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो समुंदर है, अंतर्राष्ट्रीय जो सागर है, उसमें चीन को भी अपने जहाज भेजने की स्वतंत्रता है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और जब दक्षिण चीन सागर में बात होती है, तब सभी देशों की स्वतंत्रता का उल्लंघन खुद करता है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का डिसीजन चीन के खिलाफ आया, लेकिन चीन ने उसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून मैटर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर चीन के अंतर्राष्ट्रीय कानून ज़्यादा उसको समझ में आने लगते हैं, ठीक है। तो उसने ये बातें बोली हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं और हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, भारत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और साथ में ये भी चीन बोलता है, देखिए
चीन क्या बोलता है कि दोनों देश, श्रीलंका और जो चीन है, दोनों संप्रभु देश हैं, इसलिए भारत को अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट जो भारत ने श्रीलंका को दी है, वो भी समझेंगे आगे, वो जो लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने की है उसका फायदा लेकर भारत को श्रीलंका पर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि चाइना के साथ वो रिलेशन ना बनाए। इस तरह की चीज करना भारत के लिए सही नहीं है, ये बातें चाइना की तरफ से बोली गई हैं। आगे देखते हैं, भारत ने विरोध क्यों किया? सबसे बड़ा कारण तो आप लोग समझ गए ना कि मैंने बोला कि ये जासूसी जहाज है, उपयोग दोहरे हैं, एक तरफ साइंटिफिक रिसर्च की ये बातें करता है, दूसरी तरफ ये डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ी निगरानी गतिविधियां करेगा। दूसरा इसमें क्या है, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंतनीय है। आप समझिए कि जैसे यहाँ पर भारत है तो चीन क्या प्रयास कर रहा है, जैसे यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है, मॉरिशस, ये सब देश है ना, तो चीन क्या प्रयास कर रहा है, चीन की एक नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, घेरे की नीति बोलते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत चीन क्या कर रहा है कि भारत के ये जो पड़ोसी देश हैं आसपास के निकट, यहाँ पे अपने कुछ ना कुछ सैन्य अड्डे स्थापित करके भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, और भारत इस नीति से बहुत अच्छे से परिचित है। तो भारत इसलिए बोलता है कि ये जो आप बिल्कुल आसपास हमारे आके अपनी उपस्थिति बना रहे हो और आप जानते हो हम आपके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, ठीक है। और श्रीलंका पर प्रभाव बढ़ रहा है, आप सोचिए श्रीलंका का वैसे भी ऋण जाल में फंस चुका है पूरी तरह से श्रीलंका चीन के, तो ये आप सोचिए, अभी सोचिए इसी ऋण जाल के प्रभाव के तहत ये जो हम्बन तोता पोर्ट की हम लोगों ने बात की ना, ये श्रीलंका ने लीज पर लिया है, जैसे हम लोगों ने बात की थी उस दिन पहले लेक्चर में, थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। चीन की एक नीति है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, ऋण जाल की नीति है, इसके तहत वह क्या करता है, सबसे पहले किसी देश को लोन देता है, जब वो देश लोन चुका नहीं पाता है ना, जब वो देश लोन नहीं चुका पाता है, तो श्रीलंका चीन क्या करता है, उससे कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है या उसका कोई बंदरगाह अपने 100 या 200 वर्षों के लिए लीज पर ले लेता है और वहां पर अपने सैन्य स्थापना करने की शुरुआत कर देता है। इसी तरह का हम्बन तोता पोर्ट में उसने प्रयास किया है जिससे भारत को आपत्ति है, ठीक है। तो ये जो प्रभाव श्रीलंका में बढ़ रहा है, अभी भी आप सोचिए भारत को नज़रअंदाज कर चीन ने अनुमति दे दी, इससे भी भारत को चिंता है और भारत चाह रहा है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, क्यों भारत विरोध कर रहा है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे हमारी अग्नि 5 है ना, अग्नि 6 है, ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल, इन मिसाइलों की निगरानी के लिए भी चीन ने अपने इस जहाज को भेजा है। तो इस तरह के मुद्दे हैं, इससे भारत, ऑब्वियस सी बात है कि एक संप्रभु देश है भारत, तो भारत ये चीजें स्वीकार नहीं करेगा। देखिए आगे क्या है, चीन ने भारतीय मीडिया पर कुछ आरोप लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं, जैसे हम लोगों ने ये बातें की ना कि इस तरह का चीन गतिविधियां करना चाह रहा है, तो उसने ये बोला है कि हिंद महासागर में चीन की जो नॉर्मल गतिविधियां हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, हम लोग आते हैं, हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उसको भारत की जो मीडिया है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। दूसरा क्या बोलता है वो, कि इससे चीन और श्रीलंका के रिश्तों में आप दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, इंडियन मीडिया पर आरोप है चीन का, जबकि उसका ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ कितना कुछ बोलता रहता है, ठीक है। और लास्ट में वो ये भी बोलता है कि भारत जो ये बोल रहा है ना, भारत का मीडिया, कि बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बी जो ऑपरेशन है उसकी हम निगरानी करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल रियलिटी से दूर है, ये चीन का पक्ष है, ये वास्तविकता से परे है। आगे देखते हैं, देखिए अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग चीजें समझ लेते हैं कि भारत, चीन और श्रीलंका को लेकर चीजें चल क्या रही हैं। देखिए श्रीलंका में आर्थिक संकट है, इससे तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, किस तरह से वहाँ प्रेजेंट जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे चीज़ें हुई, आप लोग जानते हैं उसको, क्यों आया ये जल्दी से इसको देखते हैं, एक एक से 2 मिनट में हम लोगों को कारण पता होने चाहिए। देखिए क्यों आया ये चीज़, सबसे पहले आप सोचिए कि श्रीलंका में कई सालों तक गृह युद्ध चला, ठीक है ना, लिट्ठे के खिलाफ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इस गृह युद्ध के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, और 2008 में जब ये 9-8-9 में ये गृह युद्ध से श्रीलंका बाहर निकला ना, तब वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट था, उस दौरान आर्थिक संकट से श्रीलंका की हालत और खस्ता हो गई, इस वजह से श्रीलंका को लोन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ा, आईएमएफ के पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब आता है तो देश कहाँ जाते हैं, श्रीलंका, आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए, ऐसी स्थिति में श्रीलंका भी गया, और श्रीलंका ने जब आईएमएफ से लोन लिया तो आईएमएफ ने बहुत सारी शर्तें लगाई, उन्हीं शर्तों के चलते श्रीलंका की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है कि जब आप इस चीज़ को समझिए कि कोविड-19 की सिचुएशन है ना, कोविड-19 की सिचुएशन है, उस दौरान श्रीलंका का पर्यटन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ, पर्यटन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन लग गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इसी कोविड-19 में श्रीलंका आपको पता है चाय, रबड़, मसाले, इन सब का एक्सपोर्ट करता है,
इन सब का एक्सपोर्ट करता है। तो आपको पता है उस टाइम पे किस तरह से सप्लाई चेन्स इफेक्टिव हुई थी, ठीक है, निर्यात जो है प्रभावित हो गया था, लोग देशों ने अपनी बाउंड्रीज को बंद कर दिया था, व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका का ये निर्यात भी प्रभावित हुआ। जैसे यहाँ पर एक पर्यटन की हम लोगों ने बात की ना, एक कारण और है जिससे पर्यटन प्रभावित हुआ श्रीलंका का, और आपको पता है श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव जैसे देश पर्यटन पर ज़्यादा निर्भर हैं, टूरिज्म सेक्टर उनका ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक कारण ये था कि श्रीलंका के कुछ चर्च हैं, ईस्टर जैसे बोला जाता है उनको, वहाँ पर कहीं कुछ आतंकवादी हमले हुए, इसके चलते श्रीलंका की जो चीज़ें हैं वहाँ पर लोगों ने जाना मना बंद कर दिया, इसलिए इसका पर्यटन क्षेत्र फिर से प्रभावित हुआ। इस वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी पर दबाव बना। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका फंसा हुआ है, वो है चीन का प्रभाव और चीन की ऋण जाल की नीति। आपको पता है लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर, इसको नोट रखिएगा, मेंशन कर सकते हैं आप, 8 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण है श्रीलंका पर, चीन का कर्ज है ये। ऐसी स्थिति में कैसे श्रीलंका चीन को नज़रअंदाज कर सकता है? ये कर्ज जो है श्रीलंका के लिए कहीं ना कहीं पे श्रीलंका की कमर तोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधि को प्रभावित कर रहा है। एक और कारण जल्दी से देख सकते हैं, जैसे श्रीलंका में राजपक्षे गोटाबाया जब आए सत्ता में, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम किसानों का बड़े स्तर पर लोन माफ़ कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भारत में भी, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इस तरह के वादे जब किए तो ये वादे कहीं ना कहीं पे व्यावहारिकता से दूर थे, इसलिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरे तरीके से प्रभाव पड़ा। कारण आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। भारत ने क्या किया ऐसी स्थिति में, पड़ोसी था भारत, ने प्रयास क्या किया, पहले 1.4 बिलियन डॉलर की एड दी, लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट आप जानते ही हैं ना, हेल्प होती है एक स्तर की, जब भी आप चाहें तब आप लोन ले सकते हैं। इस पे आप जितना लोन जब लेंगे तभी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि सारे ऋण का एक साथ में इंटरेस्ट देना पड़े, जितना आप लेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाद में भारत ने इस लाइन ऑफ क्रेडिट को 1 बिलियन डॉलर और बढ़ा दिया, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 2.4 बिलियन डॉलर श्रीलंका को एड जा चुकी है भारत की तरफ से। भारत ने प्रयास किया श्रीलंका को, ताकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मजबूत हो सके। राजनीतिक स्तर पर भी वार्ताएं हुई ताकि इन चीज़ों को लेके प्रयास किए जा सकें। भारत ने मदद की, पर श्रीलंका जो है चीन के प्रभाव से बच नहीं पा रहा है, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, श्रीलंका को चीन के प्रभाव से कैसे मुक्त करना? आपको पता है नेपाल में भी श्रीलंका, चीन जो है अपना दबा-दबा बढ़ा रहा है। आप सोचिए म्यांमार में तो आपको पता ही है सेना है वहां पर, श्रीलंका जो अभी आर्मी रूल चल रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? चीन का ही तो रहा है। ठीक है, उसी तरह से बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। ठीक है, भूटान को लेके एक डरावा पैदा कर रहा है श्रीलंका, दबदबा बनाने के लिए कि आपकी साकदेन वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है भूटान की, वो हमारा क्षेत्र है। इस तरह की चीज़ें जो हैं श्रीलंका कर रहा है। मालदीव में एक समय पर बहुत ज़्यादा चीन का प्रभाव बढ़ गया था, तो भारत ने बड़ी मुश्किल से उन चीज़ों को न्यूट्रल किया। तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं कि ये जो चीज़ें श्रीलंका कर रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, भारत की एक नीति है पड़ोसी पहले की नीति, चीन बस इसी को ना काउंटर करने का प्रयास करता है कि ये सफल ना हो पाए। इसको असफल करने के लिए चीन हर प्रयास करता है। ठीक है, तो भारत को इसको मजबूती प्रदान करनी है। क्या कर सकता है इसके लिए भारत? इसके लिए ये कर सकता है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना इन पड़ोसी देशों में, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करे, और कुछ बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट का प्रयास करे, बड़ा निवेश करे इन देशों में। कुछ कदम तो भारत को लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से चीन का बढ़ता दबदबा भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। यहाँ पर देखिए, अन्य देशों के साथ हिंद महासागर में काम करना, जैसे आप जानते होंगे कि भारत और अफ्रीका जो है, जैसे चीन का एक प्रोजेक्ट है ना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, BRI प्रोजेक्ट, इसको काउंटर करने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। अब उनमें ऑस्ट्रेलिया भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो भारत और जापान काम कर रहे हैं कि अफ्रीका जैसे देशों तक जो सप्लाई चेन्स पहुंचाई जाएं, वहां पर हम दोनों मिलकर प्रयास करें हिंद महासागर के माध्यम से, और चीन को थोड़ा सा बैलेंस्ड किया जा सके, क्योंकि आपको पता है जापान के रिश्ते भी चीन के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हिंद महासागर में भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है, यूरोपीय देश और ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकता है इसमें भारत। कोशिश करे भारत कि इन बड़े देशों के साथ मिलकर काम करे, ताकि चीन को काउंटर किया जा सके, क्योंकि भारत के पास, आप हम लोगों ने बात की थी ना, संसाधन सीमित हैं, हम लोग इतने बड़े स्तर पर काम नहीं कर सकते, तो हमें किसी ना किसी देश का सपोर्ट चाहिए, जैसे जापान जैसे देश का। इंडो प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका के साथ चीज़ें कर रहा है, आपको पता ही है क्वैड जैसे ग्रुप बन रहे हैं, इनमें मजबूती लानी चाहिए। देखिए, जब चीन नहीं मान रहा है ना, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि तीन की दुखती रग पर हमें भी
हाथ रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए, कौन सा? तिब्बत की दुखती, उसकी दुखती रग है, ताइवान, ठीक है, या फिर इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, इंडो प्रशांत का जो क्षेत्र है, इसमें अमेरिका के साथ मिलकर हमें पार्टिसिपेट करना है, मिलकर सहयोग करना है, ताकि चीन को हम लोग बहुत अच्छे से संतुलित कर सकें। तो इस तरह के प्रयास भारत कर सकता है। सबसे ज़्यादा जोर हमें इस पे देना है कि हम कोशिश करें कि ये जो पड़ोसी धीरे धीरे करके हमसे दूर जा रहे हैं, इसको हम लोग किसी तरह से अपने प्रभाव में ला सकें, जैसे भारत पहले प्रयास करता रहा है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को एड भी दी है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ये लोग भारत के प्रभाव में के तहत भारत के साथ मिलकर काम करें। इन देशों के विकास के लिए ना भारत ने बहुत प्रयास किया है। ये लोग देश आज जैसे वो होता है ना कि समय आने पर ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग अब चाइना की जेबें भरी हैं तो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों देशों का फायदा लेना चाह रहे हैं, भारत का भी और चीन का भी। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें हमारी सुरक्षाओं के लिए इन पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करना ही होगा। तो इस पूरे मुद्दे को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, पहले भी मैंने कई बार बोला है, टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए, ताकि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं वहाँ पे आपको टेलीग्राम पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो सके। जल्दी से मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।